नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात संभव मानी जा रही है क्योंकि अगले महीने पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, रूस में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात संभव है। BRICS समिट के दौरान ये मुलाकात हो सकती है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर समझौते का ऐलान भी इस मुलाकात में संभव माना जा रहा है। और देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरह की मुलाकात होती है तो हमेशा से एक पॉजिटिव या फिर कहें सकारात्मक तस्वीरें निकलकर जरूर आती है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। अगले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच में मुलाकात हो सकती है। और जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, रूस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है। और देखिए, जब जब इस तरह के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं तो उस देश से प्यार बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है, जिससे हमें यह भी प्रमाण मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ना सिर्फ भारत में है बल्कि दूसरे देशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उतनी ही लोकप्रियता है। BRICS समिट के दौरान ये मुलाकात संभव मानी जा रही है। और देखिए, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर समझौते का ऐलान भी इस मुलाकात में संभव है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जेपी नड्डा जम्मू में मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के प्रति प्यार, विश्वास और समर्थन दिखाया है। ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई गोलीबारी नहीं हुई है और कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। इस दौरान 16 देशों के राजदूत यहाँ चुनाव देखने आए और उन्होंने देखा कि कैसे यहाँ कानून व्यवस्था कायम है, लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास जताया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को नकार कर बैलेट का रास्ता चुना है। 2 चरणों के मतदान में ये स्पष्ट हो गया है कि लोग शांति, स्थिरता और वाकई में विकास चाहते हैं, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। ये डर बना हुआ था कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं तो क्या आतंकवाद जैसी तस्वीरें सामने आएंगी, क्या लोग घरों से बाहर निकलेंगे, क्या महिलाएं घरों से बाहर निकलेंगी, क्या युवा वोट देते हुए नजर आएंगे। पर वाकई में अगर धरातल की बात की जाए तो जितने भी चुनाव हुए लोकसभा के बाद में, जो विधानसभा चुनाव पर नजरें बनी हुई थी, तो वाकई में सकारात्मक तस्वीरें जम्मू कश्मीर से निकल के आई। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के प्रति अपना प्यार जताया है, विश्वास जताया है और साथ ही समर्थन भी दिखाया है। ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और कोई हिंसा वहां पर नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई गोलीबारी नहीं हुई है, कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, क्योंकि इस दौरान 16 देशों के राजदूत यहां पर चुनाव देखने आए थे और हर कोई हैरान था कि वाकई में एक शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण माहौल के अंदर चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए। उन्होंने देखा कि कैसे यहाँ कानून व्यवस्था कायम है, लोगों ने लोकतंत्र में वाकई में विश्वास जताया है। हरियाणा के चुनावी रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रही। हरियाणा के करनाल में चुनावी सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना कि वंशवाद की पार्टी। मैंने हरियाणा के लोगों के मन को जान लिया है। हरियाणा की जनता भाजपा के हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने आजादी के मायने बदलने का काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस के राज में आतंकवाद ने भी हमें कई दंश दिए। मोदी जी ने गरीब वर्ग के लोगों का बैंकों में खाता खोलकर उन्हें राहत देने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस गरीब व किसान को सिर्फ गरीबी दूर हटाने का सपना दिखाती है, लेकिन भाजपा संकल्प पत्र को लेकर वाकई में काम करती है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कही गई, क्योंकि लगातार बैक टू बैक जिस तरह से सभाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियाणा में कर रहे हैं, ये बात तो साफ हो चुकी है कि बीजेपी कोई कसर हरियाणा में नहीं छोड़ना चाहती है और इसी वजह से बैक टू बैक तमाम दिग्गज हरियाणा के चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि लोगों का समर्थन भी उतना ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल भी हमने लगातार बैक टू बैक सभाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की देखी थी और आज भी हरियाणा के अंदर उसी तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभाएं करते हुए नजर आए। आज की अगर बात की जाए तो हरियाणा के करनाल में चुनावी सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया
और संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना कि वंशवाद की पार्टी है। मैंने हरियाणा के लोगों के मन को जान लिया है, क्योंकि जिस दौरान प्रधान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना संबोधन दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई योजनाओं का जिक्र करते भी वो बार बार नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा की हैट्रिक लगाने को तैयार है। हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने आजादी के मायने बदलने का काम किया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस वक्त हरियाणा में कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट जीते जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन को जीता जाए। ऐसे में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वहां पर मौजूदगी रही तो उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के राज में आतंकवाद ने भी हमें कई दंश दिए हैं। मोदी जी ने गरीब वर्ग के लोगों को बैंक में खाता खोलकर उन्हें राहत देने का काम किया है। और चलिए अब रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। हरियाणा के चुनावी रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रही। हरियाणा के भिवानी में चुनावी सभा को संबोधित किया गया और कहा कि हरियाणा जवान और किसान की धरती है। हरियाणा में लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। राहुल गांधी से पूछे कि विदेश में वे जिन लोगों से मिलते हैं क्या उनसे रिश्ता है उनका, जो लोग आतंक को बढ़ाने का काम करते हैं ऐसे लोगों से आखिर राहुल गांधी का रिश्ता क्या है, ये सवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा उठाया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक्शन। पार्टी के खिलाफ बगावत करने वालों पर कांग्रेस अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। हरियाणा कांग्रेस ने 13 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 13 कांग्रेस नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे नेताओं को निष्कासित किया गया है और साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए नेता भी निष्कासित किए गए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने ये निष्कासन के आदेश जारी किए हैं। क्या एनसीपी अजीत पवार के गठबंधन से खुश नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि फडणवीस के बयान से गर्मा सकती है महायुति की राजनीति। लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन का ठीकरा फोड़ा है अजीत पवार पर और कहा कि अजीत पवार की एनसीपी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे, इसलिए महायुति का प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में खराब रहा है। बीजेपी के कोर वोटर ने एनसीपी के साथ गठबंधन को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा क्योंकि हम पारंपरिक प्रतिद्वंदी है, राजनीति में समय और परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि पार्टियां अक्सर निर्णय लेती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ये बयान अब तूफान ला सकता है। कर्नाटक सरकार ने सीबीआई को दी है सामान्य सहमति, वापस ली है, क्योंकि कैबिनेट ने राज्य के क्षेत्र में जांच करने के लिए सीबीआई से वापस ली है अपनी सहमति। क्योंकि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी कि डीएसपी ही अधिनियम 1946 द्वारा शासित, जिसके तहत राज्य में किसी भी अपराध की जांच शुरू करने से पहले जरूरी होती है संबंधित राज्य सरकार की सहमति की जरूरत होती है। राज्य सरकार की सहमति या तो मामला विशिष्ट या फिर सामान्य हो सकती है। कैबिनेट ने कर्नाटक में खुली जांच करने की अधिसूचना वापस ली है। कर्नाटक के कानून और संसदीय मंत्री एचके पाटिल ने स्पष्ट किया कि यदि अदालत सीबीआई जांच का आदेश देती है तो सरकार द्वारा लिया जाएगा सीबीआई जांच निरोधक आदेश लागू नहीं होगा। और देखिए 1 अक्टूबर से शुरू होंगे कैलाश दर्शन। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल विकास निगम ने ये घोषणा कर दी है। ओल्ड लिपुलेख दर्रे पर बनाए व्यू पॉइंट से कराए जाएंगे दर्शन, क्योंकि अभी तक की अगर बात की जाए तो नेपाल, सिक्किम और उत्तराखंड के रास्ते होती है यात्रा, लेकिन कोरोना काल में चीन द्वारा रास्ता बंद करने से यात्रा पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब यात्रा में 22 से 55 साल की उम्र के श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति किराया तय हुआ है 80,000 रुपए। 4 दिन के पैकेज में हेलीकॉप्टर, जीप, किराया, खाना, रुकना शामिल है। चीन के आधिपत्य वाले तिब्बत में कैलाश पर्वत है जिसके दर्शन अब एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। जयपुर मेट्रो से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने फंड लेने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव भेजा है जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में डीपीआर अपडेट करने, अंबाबाड़ी से विद्याधर नगर के आगे तक डीपीआर बनाने, विभिन्न नए मार्गों पर मेट्रो चलाने की संभावना तलाशने, मेट्रो से संबंधित विभिन्न स्टडीज के लिए केंद्र से फंड लेना है, अर्बन ट्रांसपोर्ट की डीपीआर स्टडी व सर्वे के लिए योजना, और इस योजना के तहत केंद्र सरकार देती है 100% राशि। और यही कारण है कि जयपुर मेट्रो ने निविदा तो फाइनल कर ली, लेकिन केंद्र सरकार से राशि मिलने की मंजूरी के बाद देगा कार्यादेश अनुबंधित फर्मों को। जयपुर मेट्रो की ओर से ये कार्यादेश दिया जाएगा।